हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसबी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अपन करने जा रहे हैं आज कक्षा नौवीं गणित का यह दूसरा वीडियो है ना। अध्याय दो अभी अपन पढ़ रहे थे, परिमेय संख्या है ना। विभिन्न परिमेय संख्या के बीच में कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करें और परिमेय संख्या का जोड़ना और घटाना और गुणा और भाग का नियम मैंने कल करवाया था। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। आज अपन एक सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। 0.70 को बार है बार को पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये सवाल है अपना, इसको आपको अच्छे से करना है, पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बार क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। बार जिसे अपन लिखे 0.5 बार ऐसा लिखा हुआ है, तो बार का अर्थ होता है वो संख्या जो है बार बार रिपीट हुआ है। एकदम सिंपल याद कर सकते हैं ऐसे, बार को हटाकर आप 5 5 5 इसके स्थान पर लिख सकते हैं। अब जैसे अपन लिखे 0.35 लिख दिए, इसके ऊपर बार लग गया। अब दो संख्या में बार लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको अपन लिख सकते हैं 35 35 35, यानी वो संख्या जो है बार 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 रिपीट होता रहेगा, ये होता है बार का मतलब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना पी बटा क्यू इक्वल लिख सकते हैं 0.70 बार। अब ये बार का अर्थ मैंने बता दिया था, तो ये हो जाएगा पी बटा क्यू 0.70 70 70 ऐसे 3 4 5 6 7 जितना बार हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका समीकरण एक हो गया, है ना। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपको ये बताना है कि भाई सर ये 10 का भी गुणा कर सकते हैं, 100 का डायरेक्ट क्यों गुणा। हमको दशमलव के बाईं तरफ दो संख्या चाहिए दोस्तों। इस टाइप का यदि सवाल आता है तो आपको दशमलव के बाईं ओर कम से कम दो संख्या लाना होगा, और दो संख्या लाने के लिए आपको 100 से गुणा करना होगा, ठीक है। और यदि एक संख्या लाना हो तो 10 से गुणा करना होगा। कुछ सिंपल मेथड बता देता हूँ, 1.5 है गुणा 10 करोगे तो यहाँ पर 150 आ गया, यानी 15 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 1.25 है गुना 100 कर देते हो तो ये हो जाएगा 125, यानी दशमलव हट जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 100 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा P गुना 100, और यहाँ पर हो जाएगा 0.70 70 70 लिख सकते हैं गुना 100 कर दिए, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 100 P/Q। यहाँ पर दशमलव को अभी हटा देते हैं दोस्तों, कितना लिखा उसको पहले लिखेंगे 70 70 70। यहाँ पर 100 का गुणा करने के लिए क्या किए, 2 0 आखिरी में लगा दिए। अब इसमें दशमलव कितना बार लगा हुआ है गिनो, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 संख्या के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 6 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो 0 है समीकरण, तो हो गया समीकरण दो में से एक को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे घटाने पर, ठीक है। तो मैं आगे इधर बता देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखिए दोस्तों 100 P/Q है और माइनस यहाँ पर P/Q है। देखिए समीकरण दो में से एक को घटाना है तो इसका बायां पक्ष 100 P/Q है, इसका बायां पक्ष P/Q है। अब इसका दायां पक्ष में क्या लिखा है, 70 70 70 70 तीन बार लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर लिखा है 0.70 70 70। अब 100 में से एक को घटाएंगे दोस्तों, 100 में से एक को घटाएंगे कितना बचेगा, 99 P/Q, क्योंकि क्यों हर बराबर है, तो 100 में से एक को घटाएंगे तो ये 99 P/Q बचा, है ना। 70 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 70 70 70 70 से घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर कितना बच गया 70। देखे घटा के दिखा देता हूँ, ये ऐसा लिखा हुआ है 70 है, 70 है और ये 70 है दोस्तों। यहाँ इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सभी 0 आ जाएगा, कितना बचा 70 बचा आपका। तो 0 को दशमलव के उस पार को लिखते नहीं, है ना। तो क्या करेंगे अपन, पक्षांतर कर दो P/Q और 70/99, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, इसको नोट कर लो। हाँ देखिए दोस्तों, इसके बाद अपन करने वाले हैं करणी का योग एवं अंतर, ठीक है। समान करणी का योग कैसे किया जा सकता है, पहले तो आप करणी शब्द को समझिए। आप लोग कक्षा 7वीं 8वीं में एक ऐसा चिन्ह देखा होगा दोस्तों,
ठीक है, इस चीन को अपन क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्गमूल। यदि हम इसको एक्स के एक्स पर लगा दें तो एक्स का वर्गमूल पढ़ते हैं इसको, इसे एक्स का वर्गमूल। अब इसी को यदि करणी के रूप में पढ़ा जाए, है ना, तो ऐसे पढ़ेंगे एक्स करणी का घात दो। यहाँ पर इसका अर्थ होता है दोस्तों एक्स एक बटा दो। इसको समझिए आप, यानी जो चिन्ह लगा है इसमें एक बटे दो का घातांक है। इसको हम जब पढ़ेंगे तो एक्स करणी का घात दो, इस प्रकार से अगर और इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स एक का जो घात है एक बटा तीन हो जाएगा। और इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स करणी का घात तीन, ऐसा पढ़ेंगे। इसी प्रकार आप कोई भी बना सकते हो दोस्तों, ऐसे पाँच कर दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं एक से एक बटा पाँच। यानी कि जो भी यहाँ पर करणी का घात होगा साइड में ऐसा छोटा सा लिखा होगा वो उसका घातांक बटे में आ जाएगा, और एक से करणी का घात पाँच इसको हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ते कैसे वो मैंने बता दिया। अब इस यहाँ पर अपन जोड़ना घटाना सीखेंगे। जोड़ कैसे जोड़ा जा सकता है, मान लेते हैं तीन रूट दो, दो रूट दो, ऐसा कोई सवाल लिखा हुआ है, ये करणी में है यानी वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है, रूट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यदि इसको जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ा जाए, तो देखिए दोस्तों जो समान करणी का घात है यानी समान करणी के अंदर की संख्या है, इसको सबसे पहले तो कोष्टक के बाहर निकाल देते हैं। कोष्टक से बाहर निकालने पर क्या बच जाता है, यहाँ पर तीन, ये तो निकल गया, ये भी आपका निकल गया, यहाँ पर बचा तीन और दो। यहाँ पर रूट दो और रूट दो को उभयनिष्ठ निकाल देते हैं एक ही बार, कितना आ गया पाँच रूट दो, पहला सवाल। दूसरा और थोड़ा लंबा सवाल देखते हैं, तीन है ना रूट तीन प्लस दो रूट तीन प्लस चार रूट तीन प्लस रूट तीन, ऐसा कोई सवाल है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, बस इसके सामने की संख्या को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, एक लिख देते हैं, एक लिखे, यहाँ पर क्या लिखा है दो लिखे, यहाँ पर क्या लिखा है चार लिखे, और यहाँ पर क्या लिखा है एक। ठीक है, यहाँ पर रूट तीन रूट तीन रूट तीन रूट तीन को उभयनिष्ठ निकाल देंगे एक ही बार, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कोई भी बच्चे आठवीं वाले बच्चे भी बना सकते हैं। रूट वाले जितने भी संख्या है उसको आपको कोष्ठक के बाहर एक बार निकालना है और उसके सामने की जो संख्या है उसको जोड़ देना है, दो और एक तीन चार सात और एक आठ, आठ रूट तीन। इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक सवाल, ये प्रश्नावली कितना का है, देखिए प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल है, दो रूट दो धन तीन रूट पाँच और पाँच रूट दो दो रूट पाँच का योग करना है। तो पहले तो इसको लिख देते हैं दोस्तों इस प्रकार से, दो रूट दो प्लस तीन रूट पाँच, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं प्लस, है ना, और यहाँ पर पाँच रूट दो माइनस दो रूट पाँच, इस प्रकार से ऐसे लिख देंगे। देखिए इसको हम कोष्टक रूप में भी लिख सकते हैं, परंतु धन के चिन्ह में अगर कोष्टक भी नहीं लगाते हो तो चलेगा। कोष्टक कब लगाया जाता है, जब माइनस आता है तब, ठीक है। तो ऐसे दोनों के बीच में अपन क्या कर देंगे, दोनों के बीच में प्लस कर देंगे। अब हमको समान जो करणी है, करणी मैंने पहले बता दिया था, करणी क्या है, जो चिन्ह लगा होता है ये वाला, इसी को अपन करणी बोलते हैं। समान करणी कौन है, यहाँ पर ये दोनों, ये दोनों को एक साथ हल करेंगे, दो रूट दो प्लस यहाँ पर क्या है पाँच रूट दो, ये दोनों को एक साथ हल करेंगे, तीन रूट पाँच माइनस दो रूट पाँच। ये देखिए दोस्तों ऐसे मैंने दोनों को अलग अलग क्यों किया, क्योंकि हम अलग अलग करणी को जोड़ नहीं सकते। या कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने बोला रूट पाँच और रूट छः को जोड़ो तो ये जुड़ नहीं सकता है, ये जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा। सिर्फ समान संख्या वाले करणी ही आपस में जुड़ेंगे। देखिए दो 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 है, दोनों बराबर है इसलिए जुड़ेंगे, इसके साथ ये नहीं जोड़ सकता। तो यहाँ पर दो और पाँच को जोड़ दीजिए और यहाँ पर रूट दो क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसी प्रकार तीन में से दो को घटा दीजिए और यहाँ पर क्या बच गया, रूट पाँच, पाँच और दो सात हो गया रूट दो, और तीन में से दो को घटाएंगे, एक को लिखते नहीं है दोस्तों फिर भी लिख देता हूँ मैं, रूट पाँच ही आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंतर अंतर माइनस करना है। यहाँ पर पहला सवाल है चार रूट तीन माइनस दो रूट तीन, चार से दो को घटा दो और रूट तीन लिख दो, ठीक है, ये हो जाएगा चार से दो घटाएंगे तो दो दो रूट तीन। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, देखिए यहाँ पर
पाँच रूट तीन माइनस चार रूट तीन माइनस छः रूट तीन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पाँच ए माइनस चार है, माइनस छः है, ए माइनस छः है, और यहाँ पर रूट तीन को बाहर निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर समान संख्या वाले चिन्ह आपस में जोड़ते हैं, तो पहले तो आप ये दोनों को हल कर दीजिए। छः चार कितना हो गया, माइनस दस। हाँ देखिए यहाँ पर माइनस माइनस चिन्ह वाले को पहले घटा देंगे, माइनस दस आया नहीं जोड़ देंगे, छः चार दस हुआ, और यहाँ पर प्लस पाँच है दोस्तों, दस दस से पाँच को घटाए माइनस पाँच। मैंने माइनस प्लस वाला जो है सबसे पहले वीडियो जो बनाया है ना, वाला वीडियो देख लीजिए, देखिएगा आप लोग, है ना, उसमें मैंने इस चिन्ह को के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर छः से छः चार दस हो गया, इसे घटा देंगे, माइनस पाँच आया, और बाहर में कितना है, रूट तीन। तो यहाँ पर ये जो जोड़ना घटाना का सवाल है वो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, है ना। प्रश्न वाले दो दशमलव दो के सवालों को आप लोग हल कर लेना, इसके बाद मैं गुणा का भी बता देता हूँ, ठीक। हाँ देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर लिखा हूँ मैं करने का गुणा। अभी इसके पहले अपन ने जोड़ना घटाना सीखे थे, अभी अपन करने का गुणा करना सीखेंगे। बहुत सरल है, बस तीन चीज़ों को आपको याद करना है दोस्तों। पहला देखिए लिखा हुआ है, करने वाला चिन्ह जो होगा, ये जो चिन्ह है ऐसा लगा होता है, इसका गुणा आप करने वाले संख्या के साथ ही करेंगे, ठीक। याद कर लीजिए क्या करना है, करने जो चिन्ह होगा ऐसा वाला, उसका गुणा उसी के साथ करना। दूसरा है, जो संख्या अलग से लिखा होगा बाहर में, ऐसे जैसे तीन लिखा है, तो जो संख्या बाहर में लिखा होगा उसको बाहर वाले संख्या के साथ गुणा करना है। याद हो गया दो नियम, करने का गुणा करने से, संख्या का गुणा संख्या से। करने के अंदर यदि कोई समान जोड़ा दो संख्या आ जाता है, तीन संख्या जोड़ा आ जाता है, तो उसके घात के अनुसार उसको अपन उस जोड़े को बाहर भी निकालेंगे। तो ये तीन बातों को आपको याद रखना है। अब सरल तरीके से हल कर देता हूँ। देखिए दो रूट दो है ना, तीन रूट तीन है, मान लेते हैं दोस्तों कोई ऐसा संख्या है, इसको गुणा करना है। मैंने अभी बोला करने का गुणा कर, पहले तो संख्या का गुणा संख्या से कर दीजिए। संख्या कितना है दो, यहाँ पर संख्या कितना है तीन, और करने का गुणा करने में दो गुणा ये तीन। समझ आया मेरा बात, संख्या का गुणा संख्या से यहाँ बाहर में, करने वाले का गुणा करने में, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः। चूँकि यहाँ पर कोई भी प्रकार का समान संख्या जोड़ा नहीं कर रहे, इसलिए इसको ऐसी का ऐसी आंसर कर दीजिए, है ना। पाँच रूट पाँच है दोस्तों, गुना रूट पाँच है। देखिए रूट पाँच का गुना रूट पाँच से करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करने के अंदर लिख दीजिए पाँच गुना पाँच, बाहर में कोई संख्या दिया नहीं। अब यहाँ पर करने का घात कितना है दोस्तों, दो है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन दो है, तो दो जोड़ा निकालेंगे। यहाँ पर देखिए पाँच का दो जोड़ा बन रहा है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, पाँच बाहर आ जाएगा दोस्तों। या इसको आप हल करोगे तो ऐसा भी हल कर सकते हैं, या ऐसा लिखा है रूट पाँच, और रूट पाँच दो बार लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं पाँच का स्क्वायर, और यहाँ पर करने का घात कितना दिया है, एक बटा दो, दो दो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, पाँच। चलो इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर यहाँ ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, और ये मान लेते हैं ऐसा तीन संख्या पाँच पाँच रूट, करने का घात तीन है, तीनों में पाँच पाँच पाँच, तीनों का गुणा एक साथ कर दीजिए, पाँच गुना पाँच गुना पाँच। यहाँ पर करने का घात कितना है दोस्तों, तीन। तो देखिए एक दो तीन, पाँच का घात कितना हुआ, तीन, करने का घात कितना है, तीन, तीन तीन कट गए, आंसर कितना आया, पाँच। सिंपल, ऐसे ही इसको आप हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अभी कुछ और गुना देखते हैं दोस्तों, आप लोग इसकी स्क्रीन शॉट कीजिए जल्दी। हाँ देखो, देखिए आपके बुक से प्रश्न क्रमांक चार है, दो दशमलव दो से, है ना, दो रूट तीन और दो माइनस रूट तीन का गुणा करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सूत्र हो जाता है, ए धन बी और ए ऋण बी बराबर होता है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, है ना। देखिए ए गुणा के बाद ऐसा वाला कुछ सवाल भी आता है जिसमें देखिए दो और दो बराबर है आपस में, रूट तीन यानी दोनों जगह पर दोनों बराबर हो, तभी इस सूत्र का उपयोग करना है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं इस प्रकार से, दो रूट तीन है और दो माइनस रूट तीन है, यहाँ पर मान रखेंगे तो ए का मान कितना है दो स्क्वायर, और बी का मान कितना है रूट तीन स्क्वायर, ठीक है, दो दूनी चार। यहाँ पर देखिए रूट और एक कट जाता है दोस्तों, अभी बताया था मैं, है ना, ये रूट और एक कट जाएगा, यहाँ पर तीन, चार से तीन घटाए, इस प्रकार से आप आंसर ला सकते हो। अब इसी प्रकार जो प्रश्नावली के सवाल है, गुणा जोड़ना घटाना, वो सब जैसे मैंने बताया है एग्जाम्पल आपको, उससे आप समझकर उसको बना लीजिएगा। कल अपन प्रश्न क्रमांक चार और पाँच के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे,
इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। क्या करता है?